सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल कैनिटिक्स देखिए प्रीवियस लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एनेथडर रिएक्शन और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड अब देखते हैं अ न्यू टॉपिक दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं जब भी कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है न इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन ठीक है कि जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि रिएक्शन है ए प्लस बी गिव यू सी तो आप बोलेंगे कि ये तो सिंगल स्टेप ही लिखा गया है या आप जितने भी रिएक्शन बुक्स में पढ़ते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पर आपको एक सिंगल लाइन में एक रिएक्शन लिखा हुआ होगा जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे कि सारे के सारे रिएक्शन फिर तो एलिमेंट्री हुए ओके okay, बट पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई रिएक्शन दिया जाता है कि ए प्लस बी गिव यू सी वो आपको ओवरऑल रिएक्शन दिया जा रहा है ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है कि रियलिटी में हो सकता है कि ए पहले ए डैश में कन्वर्ट हुआ हो ये ए डैश बी के साथ कंबाइन करके डी बना रहा हो और ये डी फाइनली रीअरेंज करके सी बना रहा हो ठीक है तो अगर आप ओवरऑल इसको तीनों स्टेप्स को ऐड करेंगे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप एंड थर्ड अगर आप ऐड करते हैं तो डी देखिए यहाँ दोनों साइड कैंसिल होगा ए डैश भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो आप लिखेंगे कि ए प्लस बी गिव्स यू सी तो ये क्या था ये ओवरऑल रिएक्शन था तो जब भी आपको कोई रिएक्शन दिया जाता है आप रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते कि वो कॉम्प्लेक्स है वो एलिमेंट्री है जब तक कि आपको उसके मैकेनिज़्म के बारे में आइडिया ना हो ठीक है वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन शायद पढ़ लिए होंगे तो एस एन वन रिएक्शन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है ये एक से ज्यादा स्टेप में होता है और एस एन टू एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है बट फिर भी जब आप एस एन वन लिखते हैं रिएक्शन विदाउट मैकेनिज्म तो आप उसको एक ही स्टेप में लिख देते हैं तो जो आप लिख रहे हैं वो ओवरऑल रिएक्शन है तो ओवरऑल रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी रिएक्शन में रियलिटी में एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाएगा और हर एक स्टेप का अपना डिफरेंट रेट कांस्टेंट होता है जैसे कि अगर आप फर्स्ट के लिए लिखें मान लीजिए जिसके लिए के वन है सेकंड का रेट कांस्टेंट के टू है थर्ड के लिए के थ्री है ओके okay? तो तीनों का रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा तो तीनों की स्पीड भी डिफरेंट होगी ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड मान लीजिए ये ओवरऑल रिएक्शन होने में तीन घंटे लग रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन तो हो सकता है कि जो पहला स्टेप था वो दो मिनट में कंप्लीट हो गया ठीक है जो सेकंड स्टेप था इसको कंप्लीट होने में टू आवर्स लग रहे हैं और बाकी का टाइम थर्ड स्टेप को लग रहा है तो तीनों स्टेप्स की जो स्पीड होगी वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है कि कोई स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट है और कोई स्टेप बहुत ज्यादा स्लो है और प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया है कि जो स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कि ओवरऑल ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हुआ ये कौन डिसाइड कर रहा है जो रिएक्शन सबसे स्लो होगा क्योंकि जब तक ये सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं होता आप थर्ड स्टेप पे पहुंच नहीं पाएंगे और रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आरडीएस ठीक है तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन दैट इज क्लियर और देखिए इसके आगे अब जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मेनली आपके एडवांस लेवल पे जेई या नीट दैट इज एम्स लेवल के क्वेश्चन के लिए होगा अगर आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो अब हम तीन डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस और उसके लिए डेरिवेशन देखेंगे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay, तो देखिए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फर्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं दैट इज पैरेलल रिएक्शन ठीक है देखिए अब पैरेलल रिएक्शन को अगर आपको समझना है कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है तो इमेजिन कीजिए ए के काफी वाइड यहां पर पाइप है ठीक है इस पाइप में क्या है यहां पे पानी भरा पड़ा है अब इस पाइप से जो पानी आ रहा है इस पाइप के आगे हमने दो स्मॉल पाइप्स कनेक्ट की हैं ठीक है एक पाइप का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और एक पाइप का क्रॉस सेक्शन कम है तो देखिए यहां से भी पानी बाहर निकलेगा और इस क्रॉस सेक्शन से भी पानी बाहर निकलेगा तो दो आउटलेट्स हुए तो इनपुट एक है बट आउटलेट उसके दो हैं ओके okay, तो ये एक पैरल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया ए इसका कुछ पार्ट बी को बनाने में चला गया और कुछ पार्ट इसका सी को बनाने में चला गया तो दोनों साइमल्टेनियसली बन रहे हैं एक ही रिएक्टेंट से तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने बाल्टी में बॉटम पे अगर आप दो होल ड्रिल करते हो तो दोनों से पानी निकलेगा तो वो एक पैरल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके बाल्टी में जो इनपुट थी या पानी था दैट वाज रिएक्टेंट और जो बाहर निकल रहा है दो डिफरेंट डिफरेंट होल से अब एक होल छोटा हो सकता है दूसरा होल बड़ा हो सकता है तो दोनों से निकलने वाला जो पानी है वो भी डिफरेंट होगा तो इसी तरह से कितना बी बन रहा है या कितना सी बन रहा है या हो सकता है तीसरा होल हो डी भी बन रहा हो तो कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा बनेगा ये डिपेंड करता है उसके रेट कॉन्स्टेंट पर तो पैरल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए रिएक्टेंट है यहां पर और ए साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसे बी और सी सिंपल केस लेते हैं दो ही बना रहे हैं डी भी बना सकता है ठीक है तो बी को बनाने का रेट कांस्टेंट है के वन सी को बनाने का रेट कांस्टेंट है के टू ओके तो अब बी में लिख लेते हैं हम y अमाउंट इज formed इन टाइम t ठीक है कि आपने जीरो से लेके टाइम t तक आकर देखा तो b का कितना अमाउंट बना y और c का कितना बना मान लीजिए z तो z अमाउंट फॉर्मड ऑफ c t टाइम में बन रहा है ठीक है और a को आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था t इज इक्वल टू जीरो पे a की जो कंसेंट्रेशन थी वो स्मॉल a थी आफ्टर टाइम टी ये रह गया ए माइनस एक्स ठीक है एक्स चला गया ए से वाई बी का बन गया जेड सी का बन गया ओके okay? तो अगर पैरेलल रिएक्शन की हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे कि वेन रिएक्टेंट अंडर टू और मोर इंडिपेंडेंट रिएक्शंस एट द सेम टाइम तो ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन करते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं जिनको आप बाई प्रोडक्ट्स बोल रहे हो वो बेसिकली क्या है पैरल रिएक्शन है ठीक है तो अगर आप बी आपका मान लीजिए कि बी आपका यहां पर मेजोरिटी में बन रहा था सी आपका कम बन रहा था तो आप यह बोल सकते हैं कि बी आपका मेजर प्रोडक्ट है सी माइनर प्रोडक्ट है या सी बाय प्रोडक्ट है ओके okay? अब इस रिएक्शन के लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो दैट इज अब क्यों बी और सी दोनों ए से ही बन रहे हैं ठीक है तो इसलिए हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ए किस स्पीड से डिसअपेयर हो रहा है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी माइनस साइन क्योंकि ये रिएक्टेंट है ठीक है और जिस स्पीड से ए डिसअपियर हो रहा है उसी स्पीड से बी और सी बनेंगे क्योंकि ऐसा तो हो नहीं हो सकता अगर एक मिनट में पचास लीटर पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है तो बी और सी दोनों पाइप्स का मिला के जो पानी आएगा वो पचास लीटर से ज़्यादा कैसे हो सकता है तो जितनी स्पीड से ए कम हो रहा है उतनी ही स्पीड से बी और सी भी बन रहे होंगे ठीक है तो आप लिखते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी टुगेदर कि दोनों के इकट्ठे बनने का जो स्पीड है जो रेट है वो भी डीएक्स बाई डी टी होगा ठीक है यहां पर हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो डी एक्स बाय डी टी जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी मिला के तो बी के बनने का रेट क्या है बी तो वाई बन रहा है टी टाइम में तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा प्लस सी कितना बन रहा है जेड तो डी जेड बाय डी टी आ जाएगा ओके तो ये आप इक्वेशन यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू तो डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड डी टी अब मान के चलते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कि दोनों बी और सी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ठीक है अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे तो बी के बनने का जो रेट है टी, वो क्या होगा रेट हम क्या लिखते हैं हमेशा रेट को लिखते हैं के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक है तो बी के लिए जो रेट है वो के उसके लिए हमने के वन किया है ठीक है देखिए रिएक्शन में यहाँ पे बी के बनने के लिए के वन रेट कांस्टेंट है और बी के लिए रिएक्टेंट क्या है ए तो ए थोड़ी देर के बाद कितना बचा ए माइनस एक्स तो यहाँ आ जाएगा के वन इन टू ए माइनस एक्स और इसी तरह से सी के बनने का रेट डी जेड बाय डी टी को क्या लिखेंगे हम के टू और उसके लिए रिएक्टेंट भी ए है दो दैट इज़ उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी ए माइनस एक्स तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप इन दोनों को सब्सिट्यूट करें ठीक है ये जो दोनों इक्वेशन आ गई इनको आप इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट करते हैं तो डी एक्स बाय डी टी क्या आ जाएगा के वन इंटू ए माइनस एक्स प्लस के टू इंटू ए माइनस एक्स तो इसको आप लिख सकते हैं फाइनली के वन प्लस के टू इंटू ए माइनस एक्स और इसको आप लिख सकते हैं के इन टू ए माइनस एक्स वेयर के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू मतलब जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है के वो दोनों रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट का समूह तो अगर अगर मान लीजिए यहां पर ए कन्वर्ट हो रहा था आपका बी सी और डी तीन में इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट है के वन इसके लिए के टू इसके लिए के थ्री और तीनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से प्रोसीड कर रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट होगा वो क्या होगा K1 वन प्लस के टू प्लस के थ्री तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरल रिएक्शन में जो ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट होता है K दैट इज अ सम ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स क्लियर तो ये आपको यहां पर याद रखना है तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सेकेंडली कंसंट्रेशन ऑफ बी किसी भी टाइम पे बी कितना बना है डिवाइड बाय सी कितना बना है अब बी कितना बना है ये किस पे डिपेंड करेगा देखिए अभी हमने यहां पढ़ा ना। जो डी वाई बाय डी टी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है के वन इंटू ए माइनस एक्स ठीक है उसके बनने की स्पीड तो B के कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी फाइनली K1 वन इंटू ए माइनस एक्स पे वैसे ही C के बनने की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है K2 टू इंटू ए माइनस एक्स पे तो ये A- माइनस एक्स यहां पर दोनों जगह कैंसिल होगा तो आप लिख सकते हैं K1 वन बाई के मतलब आपको पूछा जाए कि आधे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद या दो घंटे के बाद किसी भी टाइम के बाद B और C की कंसंट्रेशन की रेशियो क्या होगी वो हमेशा के वन बाय के टू ही होगी हमेशा ये मैटर नहीं करता आप कितनी देर के बाद इसको ऑब्जर्व कर रहे हो बट कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय सी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स इफ बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ठीक है ऑर्डर यहां पर दोनों का बराबर है क्योंकि देखिए ए माइनस एक्स रेज टू पावर वन है पावर यहां पे ठीक है बट आप बोलेंगे कि मान लीजिए यहां पर दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं होता तब क्या करते हैं ठीक है इफ बी फॉलोज एम ऑर्डर ठीक है एंड सी कंसेंट्रेशन फॉलोज एनथ ऑर्डर ठीक है अगर दोनों के ऑर्डर डिफरेंट होते तब क्या होता तो देखिए कंसनट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी डिड बाई कंसेंटेशन ऑफ सी एट टाइम टी ये होता के वन इंटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर एम क्योंकि ऑर्डर एम है डिवाइड बाई के टू इंटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर एन क्योंकि इसका ऑर्डर एन है ठीक है तो आप इसको लिख सकते हो के वन बाय के टू इंटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन तो अगर दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पर तब आपको a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए होगी बट जब दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो a माइनस एक्स ऊपर और नीचे कैंसल हो जाएगा तो दिस इज अ पैरल रिएक्शन तो अब देखते हैं पैरल रिएक्शन के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज अ सबस्टांस अंडर गोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन एंड द डिकम्पोजिशन फॉलोज टू पैरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ठीक है तो दोनों पैरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पर तो ए बी बना रहा है और सी बना रहा है दोनों के रेट कॉस्ट के वन और के टू आपको यहाँ पर गिवन है अब फाइनली आपको कैलकुलेट करना है कि वट इज़ द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी कि अगर कुछ भी अमाउंट ए का डिकम्पोज होता है तो उसका कितना परसेंट बी में गया और कितना परसेंट सी में गया ठीक है तो देखिए यहां पर आपने अभी हमने पढ़ा कि दोनों के जब ऑर्डर बराबर हों तो उनकी कंसनट्रेशन की जो रेशियो है वो उनके रेट कॉन्स्टेंट की रेशियोज के बराबर आएंगी ठीक है तो यहां से आप के वन और के टू की रेशियो लेके बी और सी की रेशियो निकाल सकते हैं ठीक है सेकेंडली हमने ये भी पढ़ा कि के ओवरऑल या जो के एवरेज है वो किसके बराबर होता है के वन प्लस के टू के बराबर होता है ठीक है थीके? तो यहाँ से अगर आप के वन और के टू को ऐड करेंगे वन पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेज पावर माइनस फोर प्लस थ्री पॉइंट एट इंटू टेन रेज पावर माइनस फाइव पर सेकेंड तो ये मिला के आएगा आपके पास वन पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर पर सेकेंड ठीक है तो एवरेज यहाँ पर आपके पास आ गई वैल्यू अब यहाँ से देखिए बी और सी की कंसेंट्रेशन की रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं बट अगर हमें फ्रैक्शनल ईल्ड चाहिए फ्रैक्शनल ईल्ड ऑफ बी तो बी कितना बना है वो कैसे होगा के ऑफ बी दैट इज के वन डिवाइड बाई के एवरेज ठीक है तो आ जाएगा 1.26 पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन माइनस फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन माइनस फोर ये आ जाएगा आपके पास जीरो पॉइंट सेवन सिक्स एट थ्री दैट इज सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट थ्री परसेंट B has been formed. तो C कितना बना होगा हंड्रेड से आप माइनस कर लेंगे दैट विल बी द आंसर ठीक है तो इस तरह से आप इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर सकते हैं सिंपल पैरल रिएक्शन आपको दिया होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही क्वेश्चन में दिया होगा बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो सेकेंड ऑर्डर है उसकी रिएक्शन या डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर अब सेकंड देखते हैं ओपोजिंग रिएक्शंस ठीक है ओपोजिंग रिएक्शन तो यू कैन नोट डाउन साइमल्टेनियसली देखिए ओपोजिंग रिएक्शन का मतलब क्या है कि जहां पर दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट हैं ठीक है फॉर एग्जांपल The reactions in which reactants and products are interconvertible simultaneously. Okay. तो इसको आप अपोजिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए फॉरवर्ड गया तो उसने बी बनाया इसके लिए जो रेट कांस्टेंट था मान लीजिए वो के वन है बी से वापस ए में कन्वर्ट होने का जो रेट कॉन्स्टेंट है दैट इज के टू तो ये एक अपोजिंग रिएक्शन है क्योंकि अगर आप चार स्टेप फॉरवर्ड जाते हो और तीन स्टेप बैकवर्ड आ जाते हो तो आप अपने ही मूवमेंट को कैंसल भी कर रहे हो क्योंकि आप आगे भी जा रहे हो फिर आप पीछे भी आ रहे हो तो ए के वन रेट कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग बी बना रहा है और बी फिर वापस ए में कन्वर्ट हो जा रहा है K2 के टू के अकॉर्डिंग तो ये के वन और के टू जो रेट कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हो भी सकता है कि के वन बहुत ज़्यादा हो मतलब बी के बनने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो बट के टू अगर कम होगा तो बी से वापस ए बनने की स्पीड काफ़ी कम होगी और अगर दोनों कंपेरेबल होंगे तो जिस स्पीड से बी बन रहा होगा उसी स्पीड से बी वापस ए में भी कन्वर्ट हो रहा होगा ठीक है तो इस तरह के रिएक्शन इसको कहा जाता है ओपोजिंग रिएक्शन ठीक है तो मान लेते हैं लेटस एज्यूम दैट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर kinetics ठीक है तो दोनों रिएक्शन यहां पर फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि t इज इक्वल टू जीरो पे जो आपने a की कंसेंट्रेशन थी वो a मोल्स लिए थे और b कितना होगा जीरो आफ्टर टाइम t ये a माइनस एक्स बनेगा और b की कितने कंसेंट्रेशन बनेगी x तो यहां से अगर हम लिखें के आफ्टर टाइम टी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना होगा के वन इंटू फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है ए तो के वन इंटू रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन कितनी है ए माइनस एक्स वैसे ही अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना आएगा देखिए बैकवर्ड जाना है तो B को रिएक्टेंट लेना पड़ेगा और बैकवर्ड के लिए रिए कॉन्सटेंट के है और B की कंसेंट्रेशन कितनी बनी है X तो ये आ जाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है तो फॉरवर्ड रिएक्शन से B बन रहा है तो ऐसे आप मान सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन मान लीजिए आप फोर स्टेप आगे चले बैकवर्ड रिएक्शन में आप तीन स्टेप पीछे चले ठीक है मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो टोटल आप कितने चले फोर माइनस थ्री ठीक है तो बी के अगर चार मॉलिक्यूल बन रहे हैं टी टाइम में और चार में से तीन वापस ए में चले जा रहे हैं तो तो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी कितना होगा ठीक है तो नेट कितर देख चार आगे बन रहे हैं और तीन वापस जा रहे हैं तो एक बन रहा है तो नेट रेट प्रोडक्शन ऑफ बी कितना है तो इसको आप लिख सकते हैं ये होगा डी एक्स बाय डी टी और दिट विल बी के फॉरवर्ड आप कितना गए के वन इंटू ए माइनस एक्स वापस कितने आए के टू इंटू एक्स के चार स्टेप फॉरवर्ड गए माइनस तीन स्टेप तो एक स्टेप आपकी नेट मूवमेंट यहां पर हुई ठीक है तो ये इक्वेशन आपको यहां पर लिखनी आनी चाहिए के रिवर्सिबल रिएक्शन में नेट जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की दैट इज के वन इंटू ए माइनस एक्स माइनस के टू इंटू एक्स अब इसमें आगे हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द नेट रेट इज जीरो अगर हम मान लें कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो इक्विलिब्रियम पे backward, तो ने ने रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड तो बोलते द नेट रेट इज जीरो ठीक है तो नेट रेट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा तो डी एक्स बाय डी टी इसको लिखेंगे के वन इंटू ए माइनस एक्स ई माइनस के टू इंटू एक्स ई इज इक्वल टू जीरो देखिए एक्स ई क्यों लिखा है एक्स ई बता रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को क्योंकि नॉर्मल एक्स तो किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन होगी ई लिखने से मतलब हो गया कि ये एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है एक्टर एक्स इज इक्विबरियम कंसेंट्रेशन ओके तो नेट तो रेट जीरो को इक्वेट कर दिया तो यहां से आपके पास आ गया के वन इंटू ए माइनस एक्सई इज इक्वल टू के टू इन टू एक्सई और फाइनली के टू को लिख सकते हैं आप के वन इंटू ए माइनस एक्सई डिवाइडेड बाई एक्सई तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आ सकता है ठीक है बट इसके बाद की जो फर्दर डेरीवेशन है हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज वो सिलेबस में हमारे रिलेटेड भी नहीं है और आपको कहीं पर यूज भी नहीं करनी है वो डेरीवेशन बट अगर आप रिजल्ट इसका कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट में केवन आएगा एक्स ई डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेट इज ए इनटू टाइम टी नेचुरल लॉग एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स बट इस फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन है वो अल आप जो एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो दैट वाज़ द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस ठीक है इनको आप कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं तो जैसा कि यहां पर नेम से ही यहां पर क्लियर है सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास ए रिएक्टेंट था वो बी में कन्वर्ट हुआ उसका रेट कांस्टेंट है मान लीजिए के वन बी फिर फर्दर आगे सी में कन्वर्ट हो रहा है विद रेट कांस्टेंट के टू तो आप ये बोलते हो कि जो ए था ये आपके पास रिएक्टेंट कहा जाएगा सी आपका फाइनल प्रोडक्ट है तो बी को हम क्या बोलेंगे बी इज द इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बन भी रहा है और साथ ही साथ कंज्यूम भी हो जा रहा है अब इस रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्वेंशियल रिएक्शन का कि इसके जो ग्राफ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ओके okay? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अगर हम कंसंट्रेशन की वेरिएशन को कि किस तरह से ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है उसको अगर हम लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है मान लीजिए ए है ठीक है और बी और सी अभी बने नहीं थे तो ये जीरो हो जाएंगे तो आफ्टर टाइम टी इनकी कंसंट्रेशन टोटल ठीक है अब ए से मैं एक्स कम नहीं कर रहा हूं मैं इसकी कंसंट्रेशन को ही एक्स मान रहा हूं बी की कंसंट्रेशन को वाई और सी की कंसेंट्रेशन को मैं यहां पर जेड मान रहा हूं ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना अभी तक हम इसको ए माइनस एक्स लिखते थे अब मैं लिख रहा हूं कि ए की फाइनल कंसेंट्रेशन ही एक्स है ओके okay? तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मैंने 100 ए लिया 100 मैंने ए से स्टार्ट किया और बी और सी बनने थे वो जीरो थे अब अगर ये 100 से मेरे पास मान लीजिए 20 रह जाता है और बी बन गया एक्स सी बन गया वाई तो मुझे पता होना चाहिए कि 20 प्लस एक्स प्लस वाई मिला के 100 होने चाहिए क्योंकि मेरे पास तो स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल थे और एक मोल ए से एक ही मोल बी बनता है उससे एक ही मोल सी बनता है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि और ये ध्यान रहे कि यहां पर हम जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं दीज आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स तो यहां हम लिखेंगे दस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए ठीक है टोटल ए के बराबर होने चाहिए और रेट ऑफ डिस ऑफ ए कितना होगा देखिए रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ ए तो दिस विल बी के वन इंटू एक्स क्योंकि एक्स इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन और सॉरी द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए अब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा है कि सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इन के टी के जो फाइनल कंसेंट्रेशन होती है सी टी वो इनिशियल कंसेंट्रेशन इनटू ई रेस टू तो पावर माइनस के टी होती है एक्स क्या है एक्स ए की फाइनल कंसंट्रेशन है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ये के वन इंटू फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस के वन टी ठीक है तो यहां ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीरस ऑफ ए के लिए अब वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितनी होगी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है तो उसका जो अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ये होगा डी जेड बाय डी टी और इसको आप लिखेंगे के टू इंटू वाई क्योंकि सी के लिए जो रिएक्टेंट है वो बी है और बी की कंसेंट्रेशन कितनी है अभी टी टाइम पे वाई तो के टू इंटू वाई तो इस तरह इन दोनों के लिए रेट ऑफ अपीरेंस हम लिख सकते हैं ओके अब देखिए अब बी किसी स्पीड से बन रहा है यहां पर ए से बी बन रहा है और बी से फाइनली सी बन रहा है तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में 50 मॉलिक्यूल बी के बनते हैं और उतने ही टाइम में 30 मॉलिक्यूल बी के आगे सी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बी की जो कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम वो अभी कितनी होगी ट्वेंटी क्योंकि पचास बने और तीस आगे चले गए ठीक है तो हम ये लिख सकते हैं रेट एट विच बी एक्मुलेट्स कि किस स्पीड से बी इकट्ठा हो रहा है इज डिवाइबाइडी टी मतलब रेट ऑफ एक्मुलेशन अब देखिए यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं या डिसअपियरस भी नहीं कर रहे कंबाइंड कि फॉर्म भी हो रहा है पचास की स्पीड से मान लीजिए और तीस की स्पीड से कंज्यूम भी हो रहा है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ एक्यूमिलेशन कि किस स्पीड से वो इकट्ठा हो रहा है तो दैट इज माइनस डी एक्स बाय डी टी ये उसके बनने की स्पीड होगी ठीक है माइनस डी जेड बाई डी टी ये उसके डिसअपीरेंस की स्पीड होगी कि यहाँ पर मान लीजिए पचास की स्पीड से बना और ये तीस की स्पीड से आगे चला गया ओके okay, तो ये इक्वेशन यहां पर आप लिख सकते हैं तो इसको माइनस डी एक्स बाई डी टी को अभी हमने क्या लिखा था देखिए रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ ए ही माइनस डीएक्स बाई डी टी है तो उसको आप लिख सकते हैं के वन एक्स और इसको हम लिखेंगे के टू वाई तो यहां से एक्सप्रेशन आएगा कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इन टू ए रेस्ट पावर माइनस के वन टी माइनस के टू वाई तो फाइनली इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ठीक है सॉल्व करने पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू के वन ए अपॉन के टू माइनस के वन ई रेज टू पावर माइनस के वन टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस की टू टी तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन और द इक्वेशन फॉर द सिक्वेंशियल रिएक्शंस अब इसमें ध्यान ये देना है कि इस इक्वेशन पे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इवन इन द जेई लेवल पे क्योंकि जेई की प्रॉब्लम्स फॉर्मुला बेस्ड या डेरिवेशन बेस्ड नहीं होते वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स हमेशा पूछते हैं ठीक है तो उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द ग्राफ तो अब हम देखते हैं कि इन सिक्वेंशियल रिएक्शंस पे किस तरह से कंसनट्रेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ आता है अब देखिए यहाँ पर ये यह जो डायग्राम दिया गया है अब यहाँ पर हम लेते हैं कि ए कन्वर्ट्स टू बी और बी फाइनली गिव्स यू सी तो ए तो धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ए की कंसनट्रेशन आप देखते हैं कि ए की कंसनट्रेशन एकदम से कम होती जा रही है और जैसे ए कम हो रहा है धीरे धीरे बी बन रहा है तो इनिशियली जैसे ए बहुत रैपिडली कम हो रहा है उसकी जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है तो इनिशियली बी के बनने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ए से डायरेक्टली बनेगा तो बी तो स्टार्टिंग में जो रेड लाइन है वो बी की फॉर्मेशन को दिखा रही तो बी बहुत फास्ट बन रहा है अब उसके बाद क्या होगा क्योंकि जब बी की कंसंट्रेशन अभी कम थी अगर आप सी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो सी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है बनने का वो किस पे डिपेंड कर रहा है के के टू कंसनट्रेशन ऑफ बी पे ठीक है सी के बनने का रेट तो जब बी की कंसेंट्रेशन खुद ही कम है तो सी के बनने की स्पीड भी कम होगी तो इसलिए जब बी अभी बन रहा है सी के बनने की स्पीड अभी थोड़ी कम है ठीक है सी की फॉर्मेशन थोड़ी स्लो है अब जैसे जैसे बी की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है के टू इन टू बी दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी बढ़ेगा ठीक है तो अब जब सी भी बनना स्टार्ट हो गया तो अब बी उतनी फास्ट ्यूमलेट नहीं होगा क्योंकि जितना बन रहा है उसका कुछ पार्ट अब आगे चला जाएगा और धीरे धीरे सी के बनने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी तो हम देखेंगे कि बी एक हाइस्ट वैल्यू को हाइएस्ट कंसेंट्रेशन को अचीव करेगा उसके बाद वो सी में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहां पे ए की कंसंट्रेशन तो बहुत बहुत कम हो चुकी है जब ए की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है मतलब अब बी और नहीं बन सकता क्योंकि ए ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब जो बी बन चुका था अब वो कंज्यूम होके सी बनाएगा तो सी बी की कंसेंट्रेशन एक हाइएस्ट पॉइंट पर जाती है और उसके बाद बी डिक्रीज करता जाता है और देखिए सी इंक्रीज ही करता जाएगा ठीक है तो ये ग्राफ आई थिंक आपको क्लियर होगा तो ये ग्राफ आपको समझना है अब सेकंड एग्जांपल अगर हम इसी ग्राफ में देखते हैं तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहां पर सेम रिएक्शन के लिए हमने एक कंडीशन लगा दी कि K2 टू इज़ इक्वल टू फाइव टाइम्स के वन के से C में जाने की जो स्पीड है K2 वो पांच गुना है A से B बनाने की स्पीड मतलब जिस स्पीड से B बन रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से B C में कन्वर्ट होता जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ग्राफ में हमने देखा गया था कि B की कंसंट्रेशन काफ़ी हाइट तक गई उसके बाद डिक्रीज कर रही है ठीक है जबकि इस ग्राफ में जो बी की कंसेंट्रेशन है वो थोड़ी ही हाइट तक जाएगी क्योंकि उसके बाद ये इमीडिएटली सी में कन्वर्ट होने लगेगा तो बी की हाइट ज़्यादा नहीं आएगी ये फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया होगा यहाँ पे। सेकेंडली ए से बी बनाने की स्पीड कम है क्योंकि के वन के टू से कम है इसलिए प्रीवियस डायग्राम में ए बहुत रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा था अब ए उतना रैपिडली डिक्रीज़ नहीं कर रहा और सी बनाने की स्पीड शुरू से ही बहुत हाई है क्योंकि जैसे ही बी थोड़ा सा बनता है वो सी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो सी स्टार्टिंग से ही बहुत हाई स्पीड पे बन रहा है अब ये तो हो गया जो सॉलिड लाइंस हैं सेकंड केस लेते हैं डैश्ड लाइंस का अगर के टू को मैं लिखता हूं कि फिफ्टी टाइम्स के वन है यह है डैश्ड लाइन ठीक है और यह है आपके पास सॉलिड लाइन तो डैश लाइन में देखें अगर आप तो डैश लाइन में बी तो हार्डली बन रहा है क्योंकि बी जस्ट बना और एकदम से कंज्यूम हो गया मतलब के टू फिफ्टी टाइम्स है के वन के मतलब बी से सी जाने की स्पीड बी बनने की स्पीड से पचास गुना ज़्यादा है तो जैसे ही थोड़ा सा भी बी अगर बनता है वो इमीजिएटली सी में कन्वर्ट होगा तो बी की कंसनट्रेशन अब थोड़ी सी बनी और उसके बाद डिक्लाइन करती गई तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो या तीन ग्राफ दिए गए हैं कौन सा ग्राफ किस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है कि के वन और के टू में क्या रिलेशन होना चाहिए तो कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट रहेगा और अगर हम फर्स्ट वाले इस ग्राफ को देखें तो यहां पर के वन विल बी इक्वल टू फाइव टाइम्स के टू ठीक है यहां पर कंडीशन क्या है के वन ज़्यादा है मतलब बी के बनने की स्पीड ज्यादा है पर बी के सी में कंज्यूम होने की स्पीड कम है इसीलिए बी इस हाइट तक पहुंच पाया दैट इज ऑल अबाउट द सिक्वेंशियल और कंसेकेटिव रिएक्शंस अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एक रिएक्शन दिया गया टू एनओ प्लस बी आर टू गिव यू टू एनओ बी आर इट ओबेज द फॉलोइंग मैकेनिज्म ठीक है NO NO BR, तो जब भी मैकेनिज्म की बात होती है एक से ज्यादा स्टेप्स की बात होती है तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो एनओ प्लस बी आर टू दो स्टेप में रिएक्ट करके एनओ बी आर बना रहा है फर्स्ट स्टेप में एनओ प्लस बी आर टू फास्ट स्टेप है एनओ बी आर टू बनाते हैं सेकेंड स्टेप में ये एनओ बी आर टू एनओ के साथ कंबाइन करके स्लोली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनओ बी आर जनरेट करता है इसके लिए आपको रेट एक्सप्रेशन देना है कि रेट किन किन कंसेंट्रेशन टर्म्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है और उसका ऑर्डर क्या होगा देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इस तरह के रिएक्शन को आपको कैसे प्रोसीड करना है फर्स्ट थिंग वी नो दैट स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मनिंग स्टेप हमें ये पता है कि ये रेट डिटर्मनिंग स्टेप होता है इसका मतलब जब आप रेट लिखेंगे इस ओवरऑल रिएक्शन का तो वो किस पे डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पे तो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स क्या हैं ये दोनों तो मतलब स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हमेशा रेट लिखते हैं तो ये आना चाहिए एन ओ बी आर टू इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ और दोनों की पावर वन क्योंकि जब आप मैकेनिज्म को लिखते हैं डिटेल में वन बाय वन स्टेप तो पहला स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है दूसरा स्टेप भी अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है और एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है मतलब यहाँ पर जो स्टॉक्यूमिट्री है वही ऑर्डर के बराबर होती है ये ध्यान रखना है तो यहाँ पर एन NO की पावर वन है क्योंकि यहाँ पर वन एन NO है एनओ रेस्ट पावर वन है क्योंकि यहां पर वन है अब अगर आप ये रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यह करेक्ट है बट स्टिल इनकम्प्लीट है क्योंकि अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में अगर आप दोनों स्टेप्स को ऐड करते हैं तो वो क्या है 2NO एन ओ प्लस बी आर टू की जी टू एन तो ओवरऑल रिएक्शन में तो NOBr2 कहीं नहीं आया ये तो इंटरमीडिएट है तो अगर आपको रेट को लिखना भी है कभी भी तो रेट हमेशा जो मेन रिएक्टेंट्स हैं ओवरऑल रिएक्शन के उनकी टर्म्स में लिखा जाता है कि एन NO ओ के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है एक्स बीआर टू के रिस्पेक्ट में है वाई ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं ये इक्वेशन भी करेक्ट है बट ये इनकम्प्लीट है क्योंकि यहां पर आप एनओ बी आर टू एक ऐसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो ओवरऑल रिएक्शन में दिखाई नहीं दे रही है तो अब आप क्या करेंगे देखिए पहला जो स्टेप है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेप है फास्ट है बट इक्विलिब्रियम है तो फॉर स्टेप वन हम क्या लिख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के इक्विलिब्रियम वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इन टू बी आर टू की कंसंट्रेशन अब ये जो मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिखा है यहां पर एनओ NO बी आर टू ही मुझे नहीं चाहिए एनओ NO की कंसंट्रेशन तो चलेगी क्योंकि फाइनल यहां एक्सप्रेशन में ये आ सकता है अब यहां से अगर मैं रीअरेंज करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू को मैं लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम इन टू एनओ कंसेंट्रेशन इंटू बी आर टू की कंसंट्रेशन ठीक है अब इसको यहां पर सब्सिट्यूट करना है तो अब जो आपके पास रेट की इक्वेशन आएगी वो आएगी के इन के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ ओ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ अब ये K K एक नए पावर टू होगा अब यह इस एक्सप्रेशन को फिट बैठ रहा है एन ओ रेस्ट पावर एक्स बी आर टू रेस्ट पावर वाई तो यहां पर जो ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का वो कितना है टू प्लस वन थ्री दिस इज द रेट एक्सप्रेशन तो इस तरह से आपको जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जहां पर मल्टीपल स्टेप्स में ये क्वेश्चन दिया गया वो सॉल्व करना है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म है यहां पे तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई करें दो या तीन मिनट्स लगा के फिर उसके बाद ही आप सॉल्यूशन इसका चेक करें अब देखिए इसका सोल्यूशन यहां पर है कि फॉलोइंग मैकेनिज्म आर प्रोपोज फॉर द रिएक्शन आपका जो रिएक्शन है दैट इज CO प्लस एनओ टू गिव यू सीओ टू प्लस एनओ लो टेंचर पर यह आपका ओवरऑल रिएक्शन दिया गया है इसके लिए दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं कि या तो इस पाथ से होगा ये कि फर्स्ट स्टेप में एनओ टू एन टू ओ फोर में कन्वर्ट होगा जो कि फास्ट स्टेप है सेकेंड में एन टू ओ फोर प्लस टू सीओ स्लो स्टेप में टू सीओ टू प्लस थ्री एनओ बना रहे हैं तो ये पहला मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज किया होगा फिर एक दूसरा मैकेनिज्म प्रपोज किया गया कि पहले स्टेप स्लो होगा जिसमें NO2 कन्वर्ट होगा NO3 थ्री प्लस एन NO में और सेकेंड स्टेप जो कि फास्ट है उसमें NO3 CO के साथ कंबाइन करके NO2 ओ टू प्लस सी बना रहा है अब आपको बताना है कि ये हमारा ऑब्जर्व रेट लॉ है कि मतलब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कौन सा मैकेनिज्म इसके अकॉर्डिंग फिट है कौन सा मैकेनिज्म इस रेट लॉ को प्रूव कर रहा है ठीक है तो अब क्या करेंगे हम दोनों मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम रेट लॉ बनाने की ट्राई करेंगे तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ए ए, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा पहला फास्ट है दूसरा स्लो है तो स्लो स्टेप का मतलब है कि रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा तो रेट होगा K इन टू कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फोर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ का स्क्वेयर क्योंकि यहां पर सी ओ का स्टॉक्यूमेट्रिक ऑप्शन टू है ठीक है अब ओवरऑल रिएक्शन में आपका सी ओ आ रहा है और एन ओ टू आ रहा है मतलब एन टू ओ फोर नहीं आ रहा तो वैसे ही अब हम K इक्विलिब्रियम इसमें लिखते हैं तो K इक्विलिब्रियम फर्स्ट स्टेप के लिए कितना आ जाएगा एन टू ओ फोर की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एन ओ टू की कंसंट्रेशन का स्क्वेयर तो यहां से आप लिखते हैं कि एन टू ओ फोर की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज के इक्विलिब्रियम इन टू टू का स्क्वेयर इस कंसेंट्रेशन को आप रेट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो अब जो रेट एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा K डैश इन टू टू का स्क्वेयर इन टू सी ओ का स्क्वेयर ठीक है बट यहां पर अगर हम देखें जो ऑब्जर्वड रेट लॉ है ओके तो ऑबजर्वड रेट लॉ में क्या है जो डी सीओ टू बाई डी टी है मतलब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट डिफाइन किया डी सी ओ टू बाई डी टी यह के इन टू टू का स्क्वायर आ रहा है मतलब co पे डिपेंड ही नहीं कर रहा यहां पर तो हमारा co रेज टू पावर टू आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो ओवरऑल ऑर्डर टू है और सी ओ पे डिपेंड नहीं कर रहा बट इसके अकॉर्डिंग तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है फोर तो मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है विद ऑब्जर्वड रेट लॉ तो पहली बात है कि अगर ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन हो कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है तो आप डायरेक्टली बोलते हैं कि ए तो अगर नहीं है ठीक तो बी डेफिनेटली ठीक होगी बट अगर आपको सॉल्व ही करना है दोनों ऑप्शन को तो सेकेंड तो ऑप्शन को देखेंगे कि एज पर मैकेनिज्म बी स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट को लिखना चाहिए के इन टू एनओ टू का स्क्वेयर दैट्स ऑल खत्म तो यहां पर डायरेक्टली एनओ टू का स्क्वेयर आ रहा है और एनओ टू ही यहां पर दिया गया के इंटू एनओ टू का स्क्वेयर तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो टू आ रहा है तो दिस इज दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्व्ड रेट लॉ तो इस तरह से आप रेट लॉ के जो एक्सप्रेशन हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं ओके okay? तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ द के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे या रेट कॉन्स्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ओके थैंक यू फॉर अ टाइम हैव अ नाइस डे